सो हेलो टू फैमिली कोचल दलखना भी नवाब। तो बेसिकली आज मेरा है शिमला का दूसरा ब्लॉग और इसमें मैं हम लोग यहाँ से न्यू शिमला से जा रहे हैं सीधा लिफ्ट और लिफ्ट से हम लोग थोड़ा जाने वाले हैं यहाँ से न्यू शिमला से। माधव भाई कहाँ जाने वाले? और लिफ्ट से बस स्टैंड है यहाँ पर लाल चौक भी घूमेंगे और लाल चौक में अगर मौका मिला तो कुलदीप भाई जो हमारे साथ इधर और बैठे हैं ये हैं कुलदीप भाई बांग्लादेश से आए हैं पानी को एक दिन मतलब ज्यादा शूट कर गया मतलब हम लोग पहले मोदी जी चीते के साथ ये ब्लैक पैंथर मिले पहले ही हम लोग के साथ ब्लैक आए थे यहाँ पर जैसे ही नहाया नहाने के बाद हम लोग इनको पचा नहीं पा रहे और ये अब शिकार ठीक है हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से लेफ्ट ठीक है फिर आगे का आप लोग को दिखाता हूँ बने रहिएगा क्योंकि हम लोग निकल रहे हैं सीधा यहाँ से। सबसे आगे मैं हूँ और मेरे पीछे पूरी टीम आ रही है। अब आपको डिफरेंस दिखा दूँ थोड़ा सा इधर देखिए कितना पहाड़ वगैरह दिख रहा है कितनी ज्यादा गहराई इधर है और इधर वाले हम लोग सिर्फ एक स्टेप मुश्किल से 7 से 8 स्टेप होंगे उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर रोड है तो इतना ज्यादा डिफरेंस है यहाँ पर। ये भाई अपना कीवी का पेड़ मैंने दिखाया था पहले और ये सब कीवी पड़ी हुई है लाइन से कीवियाँ पड़ी हुई Losing time, I'm fading fast I just wanna make it last Try to let go of the past I close my eyes, embrace the blast Sleepless nights and headache stack Restlessness to hell and back What's my purpose? अभी सब लोग निकल चुके हैं पीछे हम लोग की जो है ब्लॉग में हैं हम लोग ब्लॉग नंबर 229 एम है Slippery surface, a heart attack Sometimes you just got... और सीन यहाँ का कुछ ऐसा है कि यहाँ पर रिक्शा वगैरह जैसे हम लोग को आसानी से वहाँ मिल जाता है लखनऊ वगैरह में तो यहाँ पर रिक्शा वगैरह नहीं मिलता है यहाँ पर ये पूरा सन्नाटा पड़ा रहता है। अगर कोई रिक्शा वाला आएगा भी तो हम लोग को खींच नहीं पाएगा क्योंकि इतने ऊँचे ऊँचे रोड हैं देख सकते हैं तो यहाँ पर हम लोग को बस का वेट करना पड़ता है। यहाँ पर सब लोग वेट कर रहे हैं मैं दिखाता हूँ आपको तो यहाँ पर सब लोग बस का वेट कर रहे हैं और ये देखें इस तरीके के रोड गए हैं तो यहाँ रिक्शा वगैरह नहीं चलते हैं। हम लोग की बस आ चुकी है तो यहाँ बस से हम लोग सीधा जा रहे हैं लिफ्ट तो वहाँ से हम लोग सीधा आगे जाएंगे। Slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. अभी बस से उतरे हैं लिफ्ट पर जगह का नाम है लिफ्ट। देखिए कैसे घर बने कितने खूबसूरत घर नजर आ रहे हैं ये लाइन से घर बने कितने खूबसूरत नजर आ रहे हैं। We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic. कितना खूबसूरत रात में जब लाइटें जलती हैं तो बहुत ज्यादा खूबसूरत नजर आते हैं ये ठीक है जी। तो ये पर्सिमन मैंगो है सर। पर्सिमन मैंगो क्या चीज़ है? मीठा होता है सर। पर्सिमन मैंगो है ये कितने का दे रहे हो प्लेट? 100 की प्लेट है सर। कितने का मिलेगा कितने रुपए किलो इसका क्या है? ये 150 रुपए किलो है। 150 रुपए किलो ओके ओके। तो अभी हम लोग आए थे यहाँ पर लिफ्ट बोली जाती है लिफ्ट और बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर लिफ्ट ही से हम लोग को जाना है ऊपर की तरफ। मैं आपको बैक कैमरे से दिखा रहा हूँ तो यहाँ से सब लोग टिकट लेंगे टिकट लेने के बाद ये लिफ्ट से हम लोग ऊपर जाएंगे ठीक है। यही वजह है कि इसका नाम जब आप किसी भी बस को बस से जाते हैं तो इसका इस एरिया का नाम रखा गया है बस स्टॉप लिफ्ट वाला बस स्टॉप ठीक है जब इसी के नाम पर है लिफ्ट वाला बस स्टॉप ठीक है। We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe... यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पर आ चुके हैं अब यहाँ से हम लोग करनी है दूसरी लिफ्ट हम लोग जा रहे हैं दूसरी लिफ्ट के लिए सब लोग दूसरी लिफ्ट सामने नजर आ रही है अब वहाँ से शायद मेरे से एक ही फ्लोर जाएगा ऊपर। It's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you. दूसरी लिफ्ट से भी आ चुके हैं इसमें भी एक ही फ्लोर तक ऊपर गई है कोई लिफ्ट नहीं है दो लिफ्ट से हम लोग आए इसका 10 रुपये एक बंदे का बड़ा टिकट का ठीक है और उसमें से 10 रुपये जिसमें आपको पहले एक लिफ्ट से आना पड़ेगा उसके बाद दूसरी लिफ्ट से आना पड़ेगा। और अब हम लोग चल रहे हैं सीधा माल रोड पर ये भी बहुत ज़्यादा फेमस रोड है लाइन से शॉप्स वगैरह हर तरीके की शूज़ की कपड़ों की वुलन कपड़ों की
खिलौनों की, बैग्स वगैरह की, बहुत सही शॉप्स वगैरह हैं। माल रोड से थोड़ा चढ़ने के बाद हम लोग आ गए चर्च के पास, और अभी चर्च का मैं सीन दिखाता हूँ, यहाँ पे क्या सीन है चर्च का। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा यहाँ का नज़र आ रहा है, मैं आपको बैक कैमरे दिखाता हूँ। काफ़ी ज़्यादा सांस फूल ली क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊँचा है, मैं आपको बैक कैमरे दिखाता हूँ। We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. वो चर्च है जहाँ के अभी आपने बैक कैमरा साहब को वीडियो दिखाई थी, वहाँ जब मैं नीचे था लिफ्ट में आने से पहले, तो बहुत छोटा सा नज़र आ रहा था। देखिए कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। यहाँ पर बाहर तक से वोटिंग वगैरह है शिमला में, तो उसकी भी थोड़ी तैयारी वगैरह चली, थोड़ा प्रमोशन वगैरह पार्टी वगैरह चल रहा है। बल देखिए बिल्कुल नीचे नीचे नज़र आ रहे हैं बादल। तो अभी मैं आया हूँ यहाँ पर, और यहाँ कुछ लोग मिल गए थे, थोड़ा सब्सक्राइब वगैरह कराने लगा था, और मैं सीधा जा रहा हूँ अपने लोगों के पास। और यहाँ से जो सीन दिख रहा है बहुत ज़्यादा खूबसूरत सीन नज़र आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ से जो सीन नज़र आ रहा है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सीन नज़र आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ बैक कैमरे से, तब आप अंदाज़ा लगा पाएंगे खूबसूरत एग्जैक्टली किसको बोलते हैं। तो ये देखिए आप देख सकते हैं सिर्फ पहाड़ी पहाड़ हैं, और ये घर है हिमालय दिख रहा है, बादल कितने नीचे नज़र आ रहे हैं। और जब रात होती है, शाम होती है, तो सिर्फ जो घरों की लाइटें जलती हैं तो ऐसा लगता है बिल्कुल सितारे बिछे हुए, जैसे रबने वाली जोड़ी में आपने देखा होगा शाहरुख खान ने लाइटें बुझवाई थी, आई लव यू लिखवाया था उस पर, तो सेम वैसे ही सीन आता है, सब सिर्फ ऐसा लगता है सितारे वगैरह। आप मेरी इससे पहले वाला व्लॉग देखा होगा जब मैं आ रहा था, तो मैंने उसमें मेंशन किया था उस सीन को, तो आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा ठीक वैसे ही, इसी मतलब सेम यही चीज़ है, बस रात में और ज़्यादा लाइटों से भर जाता है, ऐसा लगता है सितारे आ गए हैं। तो बेसिकली माल रोड से थोड़ा ऊपर आने के बाद इसको बोलते हैं रिज, जैसे मैंने सुना है, पता नहीं सही प्रोनंसिएट कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, इसको प्रॉपर तरीके से बोलते हैं रिज। तो यहाँ पर चर्च वगैरह भी है। Elastic, but maybe there's magic, believe you could have it, and I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. तो फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, और सब लोग चाय का मजा ले रहे हैं, और सब लोग चाय पी रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे चाय पीएंगे, और चाय पीने के बाद थोड़ा सी रेस्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे फिर दूसरी आगे दूसरी जगह के लिए, ठीक है। सो फाइनली हम लोग माल रोड से यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं, आगे माल रोड से आने के बाद जो चर्च था, तो हम लोग आ चुके हैं। अभी आपको मैं बैक का व्यू दिखाता हूँ। सो क्या बोलते छोटू, हवा घर वाले रोड पर हैं, और यहाँ बैक का व्यू इतना ज़बरदस्त है, मैं आपको बैक कैमरे दिखाता हूँ। We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it. हम लोग हैं हवा महल रोड पर ना, हवा महल रोड पर है। तो चलते छोटा सा यहाँ पर एक व्यू दिखा है, तो हम लोग उसके अंदर जा रहे हैं। देख यहाँ पर आने के बाद ऐसा कुछ दिखा है, तो मैं आपको व्यू वगैरह दिखाता हूँ यहाँ का कैसा कितना खूबसूरत है। मतलब हर जगह पर कुछ ना कुछ थोड़ी देर के चलने के बाद ऐसा कुछ व्यू पॉइंट दिख ही जाता है, जहाँ पर ऐसा व्यू देखने को मिलता है, देख सकते हैं बहुत अच्छा व्यू है। तो अभी मेरे पीछे है हिमाचल प्रदेश विधानसभा, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो ये है यहाँ का हिमाचल प्रदेश विधानसभा, एंड इसके पास से रास्ता गया हुआ है पूरा, और यहाँ पर एक हेलीपैड भी है, हेलीकॉप्टर की आवाज़ मतलब कई बार सुन चुका हूँ, लेकिन इधर दिख नहीं रहा क्योंकि पेड़ काफ़ी ज़्यादा है, और फिलहाल यहाँ से नीचे जा रहे हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग का थोड़ा बहुत रिफ्रेशमेंट वगैरह हो गया है, और रिफ्रेशमेंट होने के बाद हम लोग सीधा जा रहे हैं एडवांस स्टडी पॉइंट, जहाँ पर हम लोग के जो दोस्त हैं उनको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एडवांस स्टडी एडवांस नहीं, जिनका हम लोग जहाँ पर रुके थे, हम लोग के दोस्त का नाम क्या, बाबा रंग विजय सिंह, इनको हम लोग बोलते हैं बाबा, ठीक है। तो वो हम लोग का वेट कर रहे हैं एडवांस स्टडी पॉइंट पर, क्यों नो नो भाई वेट कर रहे हैं हम लोग का माल रोड पे कहाँ है, माल रोड पे हम लोग क्रॉस कर गया है, वापस हम लोग यहाँ से माल रोड चलना है, माल रोड जाना है, ओके। तो मेरी हिम्मत नहीं है, मुझे आसिफ भाई गोदी में लेके जाएंगे। फाइनली इतना चलने के बाद हम लोग यहाँ पर एडवांस स्टडी पहुँचे हैं, मैं बैक कैमरे से दिखा रहा हूँ आपको, ये है एडवांस स्टडी का मेन डोर, जाने के बाद पता चलेगा कि यहाँ पर क्या एडवांस है। तो गेट से एंट्री हमने कर दी है, और एंट्री करने के बाद सामने बिल्कुल स्ट्रेट रोड दिख रहा है,
अभी इस रोड पर चल के जाना है। अजीत भाई क्या हुआ, कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा, इतना चलने के बाद ऐसा लग रहा है बस प्राण पखेरु निकलने वाले हैं। भाई इतना चलने के बाद कैसा फील कर रहे हैं आप? ऐसा लग रहा है बस आत्मा शरीर को छोड़ने वाली है। अभी आप वॉच भी देख के बता रहे कितने हम लोग चले अभी? 10,000। दिखाई वॉच में, दिखा दी, कोई यकीन नहीं मानेगा। वॉच में दिखा दी, वॉच में दिखा दी, कुछ नहीं करेगा। दो बार में 10,000 स्टेप हम लोग चल चुके हैं और ये थोड़ा सा ज्यादा टफ लग रहा है क्योंकि, अरे नहीं आप भूल ही गए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सी चढ़ाई ज्यादा है, इस वजह से थोड़ा ज्यादा हार्ड लग रहा है। हाँ तो आसिफ भाई अभी तकरीबन हम लोग आधा किलोमीटर के आसपास आ चुके हैं, तो अब कैसा प्रतीत हो रहा है? जैसा कि मैं देख सकता हूँ आपने इससे पहले चश्मा लगाया हुआ था, चश्मा हट चुका है इसका, इधर मुझे बताइए आप। ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं जाऊँगा, मेरी खबर ही। बहुत ज्यादा तकलीफों के साथ इन्होंने बीच रास्ते में ये भी सफर, इन्होंने मतलब इन्होंने बोला था कि जो है थोड़ा ड्रॉप करते हैं प्लान, लेकिन हमने कहा जब यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लान ड्रॉप नहीं होगा। क्या सिर्फ भाई अब जाके देखते हैं स्टडी पॉइंट यहाँ है कैसा, स्टडी पॉइंट में यहाँ है क्या, एडवांस स्टडी पॉइंट में ऐसा है क्या, हम लोग देखना चाहते हैं एडवांस स्टडी में है क्या।